देश के अलग अलग हिस्सों में तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली तो हर साल नवंबर और दिसंबर को गैस चेंबर बन जाती है। देश में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन इससे होने वाले आर्थिक नुकसान और भयावह है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने हाल ही में जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वायु प्रदूषण के चलते उत्तरी और मध्य भारतीय राज्य भारी आर्थिक क्षति उठा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक बिहार प्रभावित है। लासेंट प्लेटनरी हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट इंडिया स्टेट लेवल डिसीज बर्डन इनिशिएटिव के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण देश में कुल सकल घरेलू उत्पाद के 1.4% के बराबर की हानि हो रही है। लेकिन यदि राज्य की स्थिति पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य भी आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के GDP का 2.15% के बराबर की क्षति वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों, बीमारियों और उत्पादों में कमी के कारण होती है। इस राशि को अगर रुपए में बदला जाए तो 36,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की क्षति अकेले उत्तर प्रदेश को साल भर में होती है। रिपोर्ट के अनुसार बिहार इस मामले में दूसरे नंबर पर है। बिहार की GDP का 1.95% के बराबर की क्षति वायु प्रदूषण के चलते होती है। ये राशि 11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की होती है, जबकि तीसरे नंबर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं, जिनके GDP का करीब 1.70% प्रदूषण की भेंट चढ़ जाता है। रुपए में ये क्षति क्रमशः 16 और 14,000 करोड़ के करीब बैठती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदूषण के कारण प्रति व्यक्ति क्षति के मामलों में दिल्ली सबसे आगे है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति सालाना क्षति $62 आंकी गई है, जो कि करीब 4,500 रुपए के करीब है, जबकि प्रदूषण के कारण प्रति व्यक्ति क्षति के मामले में हरियाणा दूसरे नंबर पर है, जहां प्रति व्यक्ति क्षति $53.8 यानी कि 3,850 रुपए के करीब है। अध्ययन में 2018-19 की GDP के आंकड़ों को आधार बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट।